कहते हैं समय के पिटारे में अथाह व असंख्य कहानियाँ होती हैं, पर लोग उन्हीं कहानियों को याद रखते हैं जिनके साक्ष्य बचे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऑफ बीट यात्रा में। आज हम जा रहे हैं चंबल के भीड़ों के बीच पहाड़ी पर स्थित तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी मितावली, जिसका संबंध भारत के संसद भवन से भी माना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि यही रावण की तपोभूमि भी रही है। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ के बीहड़ आप पर सम्मोहन सा कर देंगे, रास्ते यहाँ पर चलते चलते आपको भ्रमित करने लगेंगे। हम आज ऐसे ही रहस्यमय सफ़र के साक्षी बने ग्वालियर से महज 35 किलोमीटर दूर अजीबोगरीब 64 योगिनी मंदिर की ओर। हम कदम बढ़ाएं कि यहाँ की जानकारी देना आपको बेहद ज़रूरी है। हम आपको इतना कह देंगे कि जब तक सूरज की रोशनी रहेगी मुसाफिर के पांव तब तक ही रुकेंगे, सूर्यास्त के बाद यहाँ पर प्रवेश निषेध है। यदि आपको रहस्य, रोमांच और तंत्र मंत्र की कहानियों का साक्षात देखना है तो हमारे साथ चलिए बीहड़ पर उस दूर पहाड़ी पर स्थित 64 योगिनी मंदिर में। यहाँ कहते हैं कि अंधेरा होते ही यहाँ तंत्र मंत्र की क्रियाएँ होती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ऐतिहासिक समय में देश विदेश के लोग तांत्रिक क्रियाएं सीखने यहां आते थे। इन्हीं तांत्रिक गतिविधियों के कारण इसे तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि इसी 64 योगिनी मंदिर को देखकर लुटियन ने भारत की संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। फिर ऐसे ही रहस्यमय कई सवालों के जवाब के लिए चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। लेकिन मंदिर के बाहर पहुँचते ही हमारे कदम खुद ब खुद थम गए, क्योंकि सामने खड़े थे शिव के वाहक नंदी जी महाराज। पहाड़ी पर बने इस मंदिर के बाहर 5 फीट ऊंची एक ही पत्थर से तराशी गई मूर्ति हैरत में डाल देती है। पत्थर को काटकर बनाई गई ये 200 सीढ़ियों से होते हुए आप ऊपर पहुंचेंगे। सीढ़ियों से ऊपर पहाड़ पर पहुंचते हैं तो हम चौंक पड़ते हैं। सामने एक अद्भुत, असामान्य, अकल्पनीय, एक दो नहीं पूरे 64 कमरे वाला गोलाकार मंदिर था, वो भी हर कमरे में एक शिवलिंग के साथ। इसमें लिखे अभिलेखों के अनुसार इस मंदिर को 1323 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के कच्छव राजा देवपाल ने बनवाया था। तब शिवलिंग के साथ यहां पर योगिनियों की मूर्ति भी विराजित हुआ करती थी, पर डाकुओं और चोरी के डर से बचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा ग्वालियर के संग्रहालय में इन मूर्तियों को संरक्षित कर दिया गया है। इसी पहाड़ी की तलहटी में खुदाई के दौरान आभूषणों से युक्त आदमगत पत्थरों की प्रतिमाएं भी मिली थीं, जो कि कुषाण काल से संबंधित बताई जाती हैं। आज इन मूर्तियों को भी ग्वालियर संग्रहालय में सुरक्षित कर प्रदर्शन के लिए रखा गया है। मंदिर के गलियारे में हमें सर झुकाकर चलना होगा, क्योंकि प्राचीन समय में शक्तियों के सामने सर झुकाकर चला जाता था, इसलिए इसके दरवाजे छोटे हैं। इस मंदिर का निर्माण सूर्य के अक्षांश व देशांत को ध्यान में रखते हुए हुआ है। राजा के द्वारा निर्माण पश्चात यहाँ पर सूर्य किरणों की गोचर के आधार पर ज्योतिष व गणित की विद्या का अध्ययन किया जाता था। समय के साथ साथ इस मंदिर में राजा महाराजाओं द्वारा तांत्रिक अनुष्ठानों को पूरा करने और अपने अंदर की कुंडलियों को जागृत करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ देश विदेश के लोग भी तांत्रिक क्रियाओं के लिए आते थे। तब तक ये क्षेत्र तांत्रिक विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। कहा जाता है कि आज से 1000 वर्ष पहले यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी पर बने बटेश्वर, पड़ावली, मितावली ये तीनों अलग अलग विद्या के अध्ययन का केंद्र रहे हैं। इसलिए इन्हें गोल्डन ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये तीनों स्थान मिलकर एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करते थे। इतिहासकारों की माने तो वो यहाँ पर रावण के द्वारा तपस्या की बात भी कहते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी अमावस्या की रात दूर दूर से यहाँ तांत्रिक व अघोरी तंत्र साधना के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि अंधेरा होते ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अमावस्या को अघोरी के साथ साथ यहाँ विदेशी भी तांत्रिक क्रिया करते नजर आते हैं। खुद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ तंत्र क्रियाएं होने की बात को मानता है, लेकिन दर्शन को पहुंचने वाले लोग ऐसी बातों को निराधार मानते हैं। साथ ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के गर्भगृह में एक साथ 2 शिवलिंग मंदिर के रहस्य को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने भी आज तक किसी भी एक ही मंदिर में एक साथ 2 शिवलिंग नहीं देखा है, और मुझे यकीन है कि आपने भी ऐसा नहीं देखा होगा। तो 1000 साल पहले
बने इस मंदिर में एक साथ दो शिवलिंग को स्थापित करना क्या दर्शाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के लिए स्थापित किए गए थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये शिव पार्वती की जोड़ी के रूप में स्थापित हैं। 1000 वर्ष पहले भी यहाँ बारिश के पानी को सहोजने की इंजीनियरिंग व कला भी खास रूप से दिखाई देती है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। साथ ही इस मंदिर को देख हमारे मस्तिष्क में पहला चित्र आता है, वह है हमारी भारतीय संसद भवन का होता है। अगर आप भारत के संसद भवन और इस मंदिर को टॉप से देखेंगे तो दोनों जैसे लगेंगे कि एक दूसरे के हमशक्ल हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसी मंदिर से भारतीय संसद भवन का डिजाइन लिया गया है। यह दावा कितना सच है, आइए देखते हैं। इसका बाहरी हिस्सा संसद की आंतरिक हिस्से से मिलता जुलता है और संसद का बाहरी पिलर मंदिर के आंतरिक हिस्से से मिलता है, लेकिन इस बात का उल्लेख किसी भी किताब में नहीं किया गया है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एल्बर्ट लुटियन ने इसी मंदिर के डिज़ाइन को लेकर संसद भवन का निर्माण किया था। पर हम इसे महज एक इत्तेफाक भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि संसद निर्माणकर्ता व वास्तुविद के यहाँ पर भ्रमण की जानकारी को छिपाया जाना संभव हो सकता है, क्योंकि यह मंदिर उस समय पूर्ण रूप से तंत्र मंत्र में लिप्त तांत्रिक मंदिर हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो उनका मानना है कि संसद निर्माणकर्ता लुटियन ने यहाँ संसद के निर्माण के समय भ्रमण किया था, पर इसका किसी भी प्रकार से लिखित उल्लेख नहीं है। इस मंदिर में आने की आपके पास हजारों वजह हैं, इसलिए जब कभी आप ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आएं तो यहाँ आना बिल्कुल भी ना भूलें। इस मंदिर में आकर आप भारत के बृहद इतिहास से रूबरू हो सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और चैनल ऑफबीट यात्रा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी जान सकें। यहाँ पहुँचने के लिए आप मुरैना या ग्वालियर से सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। यहाँ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन गोहद है, जो कि 20 किलोमीटर दूरी पर है। साथ ही यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा ग्वालियर, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आपको हम ये भी बता दें कि देश में मुख्यतः 4 64 योगिनी मंदिर हैं, जिसमें से 2 MP में और 2 उड़ीसा में हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन मंदिर यही है। जल्द ही हम आपको उन मंदिरों के सफ़र में भी ले चलेंगे। फिर मिलेंगे एक और नई यात्रा में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।